मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल के माध्यम से ज्योतिष और वास्तु शास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा हम पहले भी करते आए हैं। आज हम दर्शकों को जन्म पत्रिका के 12 भाव के रहस्य के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए, आपके जन्म तारीख, आपके जन्म समय और आपके जन्म स्थान के आधार पर एक जन्म पत्रिका का निर्माण किया जाता है, जिसे हम कुंडली कहते हैं या होरोस्कोप कहते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसे संबोधित किया जाता है। ये जो जन्म पत्रिका होती है, ये आपके जीवन का दर्पण है, एक आईना है। इस जन्म पत्रिका को देख करके हम आपके जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में कुल 12 स्थान होते हैं, जिन्हें 12 भाव कहा जाता है। अलग अलग स्थान, अलग अलग भाव जो है, ये अलग अलग आपके जीवन के पक्षों को बताता है। उदाहरण के तौर पे एक संक्षिप्त चर्चा मैं अपने दोस्तों से करना चाहूंगा। प्रथम भाव, जन्म पत्रिका का प्रथम भाव जिसे लग्न कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपकी जन्म पत्रिका का एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है। ये आपके व्यक्तित्व को यानी आपके पर्सनालिटी को प्रदर्शित करता है। लग्न बलवान है तो जन्म पत्रिका भी बलवान मानी जाती है। आपके जन्म पत्रिका के 12 भाव में सबसे महत्वपूर्ण भाव ये हो सकता है। जन्म पत्रिका का जो द्वितीय स्थान है यानी द्वितीय भाव जो है, ये आपके धन और आपके कुटुंब को प्रदर्शित करता है, आपकी वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी द्वितीय भाव को देख करके आपके परिवार, आपके आर्थिक पक्षों और आपकी वाणी जैसे पहलुओं पर फलादेश किया जा सकता है। तृतीय भाव जिसे हम पराक्रम का कहते हैं, आपके अप्रोच का होता है, यानी आपकी पहुंच कहाँ कहाँ है। इस तीसरे स्थान का सीधा संबंध भाग स्थान से भी होता है, इसलिए तृतीय भाव में ग्रहों की स्थिति जो है ये अच्छी मानी जाती है। चतुर्थ भाव जो कि माँ का होता है, संपत्ति अर्थात चल अचल संपत्ति का होता है। चतुर्थ भाव को देख करके आपके मां और आपके चल अचल संपत्ति और आपके सुखों का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव जो है ये केंद्र स्थान के अधीन आता है। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का होता है, आपके संतान के संदर्भ में, आपके विद्या बुद्धि और आपके शिक्षा के संदर्भ में, आपके प्रेम के संदर्भ में पांचवें स्थान को देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि ये क्षेत्र आपके जीवन में कैसे हो सकते हैं। छठवां स्थान जो कि रोग ऋण शत्रु का होता है, इसे अशुभ स्थान कहा जाता है और हम ये ईश्वर से कामना करते हैं कि छठवें स्थान पर कोई भी ग्रह नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि छठवें स्थान पर यदि कोई ग्रह है तो उस ग्रह की प्रकृति के अनुरूप आपको कोई रोग या कोई डिसीज हो सकती है। ईश्वर इस भाव में कोई भी ग्रह नहीं पड़े, ऐसी मेरी कामना होती है। सातवां स्थान जो कि विवाह का, वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, इससे आपके पति अथवा पत्नी का हम अनुमान लगा सकते हैं।
विवाह और वैवाहिक जीवन के सुखमय होने के लिए सातवें स्थान का अच्छा होना जरूरी है। यदि सातवें स्थान पर पाप ग्रह है अथवा सातवें स्थान पर कोई अशुभ योग है तो ऐसे व्यक्ति का या तो विवाह नहीं होता है अथवा विवाह होने के बाद उससे वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव आठवां स्थान ये भी अशुभ स्थान होता है और मैं ये भी कामना करता हूं कि इस आठवें स्थान पर कोई भी ग्रह नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसे मृत्यु का भाव कहा जाता है। मनुष्य के मृत्यु का अनुमान इस भाव से लगाया जाता है यानी ये आठवां भाव जो है ये जन्म पत्रिका का दूसरा अशुभ स्थान होता है। नवम भाव एक महत्वपूर्ण स्थान आपके भाग्य और धर्म से संबंधित भाव। जन्म पत्रिका का मूल त्रिकोण होता है। मनुष्य के भाग्य के संदर्भ में जानकारी नवम भाव से प्राप्त होती है। मनुष्य कितना धार्मिक होगा, कितना आध्यात्मिक होगा या मनुष्य कितना भाग्यशाली होगा, इस पहलू की जानकारी हमें नौवें स्थान से होती है। ये स्थान आपके पिछले जन्म के कर्मों के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि इस नवम भाव में जितने ज्यादा ग्रह हो वो उतना भाग्यशाली होता है। अर्थात हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस नवे भाव में ज्यादा से ज्यादा ग्रहों की उपस्थिति हो। ये नवा स्थान जो है ये आपके पितृ पक्ष यानी आपके पिता के संदर्भ में भी जानकारी प्रदान करता है। सूर्य जैसे ग्रह यदि नवम स्थान पर बैठे तो मनुष्य के पिता का उसे विशेष सुख प्राप्त होता है। नवम स्थान की महिमा ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा है। संक्षेप में हम केवल आपको इतना बता रहे हैं कि जन्म पत्रिका का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। आने वाले एपिसोड में हम नौवें स्थान की और विस्तार से चर्चा भी करेंगे। नौवें स्थान के बाद दसवें स्थान की बात आती है। दसवां स्थान आपके कैरियर, आपके राजकीय पक्ष, आपके व्यापार, आपके व्यवसाय को इंगित करता है। अर्थात इस दशम भाव को देख करके मनुष्य के कर्मों का, उसके कार्य क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सकता है। जन्म पत्रिका का एक केंद्र स्थान ये भी होता है और इस भाव में भी कोई भी ग्रह अशुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्रहों की उपस्थिति इस स्थान को बलवान बनाती है। यदि दशम स्थान पर ज्यादा से ज्यादा ग्रह हैं, तो ऐसे जातक का कर्म क्षेत्र अच्छा होता है। वो व्यक्ति उन ग्रहों से संबंधित क्षेत्रों में सफलताओं को अर्जित करता है। दसम स्थान के बाद ग्यारहवें स्थान की बात आती है जिसे हम लाभ का स्थान भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक शुभ स्थान ग्यारहवां स्थान भी माना जाता है। अर्थात ग्यारहवें स्थान में भी कोई भी ग्रह उपस्थित होगा तो ये लाभकारी ही रहेगा। ये कभी भी अनिष्ट का भाव नहीं होता है और इस ग्यारहवें स्थान पर पाप ग्रहों का फल भी अच्छा होता है। अर्थात कोई भी पाप ग्रह यदि ग्यारहवें स्थान पर बैठे भी हैं तो वो कभी भी खराब फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। ग्यारहवें स्थान के बाद बारहवें स्थान की बात आती है। ये जन्म पत्रिका का तीसरा अशुभ भाव होता है। इसे व्यय का स्थान कहा जाता है और खर्चों के संदर्भ में, मनुष्य के व्यय के संदर्भ में इस बारहवें स्थान से हमें जानकारी प्राप्त होती है। परंतु
छठवें और आठवें भाव की तुलना में इस भाव के अशुभ फल कम देखे गए हैं। यानी बारहवें स्थान पर कोई भी ग्रह यदि है तो उतना ज्यादा अशुभकारी परिणाम हमको प्राप्त नहीं होता है। विदेश यात्रा का भाव होता है और यदि बारहवें स्थान में ग्रहों की संख्या ज्यादा है तो ऐसा जातक अपने घर या अपने मूल स्थान से काफी दूर जा करके अपने व्यवसाय को करता है। ज्यादातर विदेश में सर्विस करने वाले लोगों की जन्म पत्रिका में बारहवें स्थान पर ज्यादा ग्रहों की उपस्थिति देखी गई है। इन बारह स्थान और बारह भाव की चर्चा के उपरांत मैं आने वाले समय में दर्शकों को और भी ज्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करूंगा। अब अगले प्रसारण तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।